हाय फ्रेंड्स, रेखा शेट्टीज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगलोर स्टाइल ड्राई ग्रीन पीस और पनीर का ग्रेवी। मैंगलोर में इस ग्रेवी को ज़्यादा फंक्शन में बनाया जाता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कप ड्राई ग्रीन पीस को रात भर पानी में भिगो के रखा था। देखिए, अब इसमें जो पानी है वो निकाल के 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश करके इसे कुकर में डाल देंगे और कुकर में कट करके 2 टमाटर भी डाल देंगे और 1 कप पानी डालेंगे, थोड़ा नमक डाल के और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन रख के 2 से 3 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। पनीर को मैंने इतना बड़ा साइज़ में कट करके रखा है, आपको छोटा साइज चाहिए तो छोटा साइज में भी कट कर सकते हैं। अब इसे पानी से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रखा है। तवा गर्म होने को रखा है, इसमें 1 स्पून कुकिंग ऑयल डाल के 1 हरा मिर्च और 1 ऑनियन को कट करके डालेंगे और 10 कलियां लहसुन और 3 टुकड़ा अदरक डालेंगे। ऑनियन थोड़ा लाल होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए, ऑनियन थोड़ा लाल हो गया। अब इसमें 1 स्पून बड़े सौंफ, 15 काली मिर्च, 2 लवंग, 1 टुकड़ा स्टार एनिस, 1 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी डालेंगे। अब इसमें 5 बैडगी चिल्ली और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें 2 स्पून धनिया, 1/4 स्पून से थोड़ा कम राई, 6 से 7 मेथी सीड, 1 स्पून जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये मसाला फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गया। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1/2 स्पून खसखस। खसखस डालने के बाद तुरंत गैस ऑफ कर दीजिए। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब जो तवा गर्म है उसी गर्म में ये खसखस फ्राई हो जाएगा। अब इसे दूसरा प्लेट में निकाल देंगे। अब उसी तवा पे 1 कप ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे 2 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये ड्राई रोस्ट होते ही 2 मिनट हो गया। अब गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करने का है। अब मसाला पूरा ठंडा हो गया। अब इसे मिक्सी जार में डाल के इसमें 1 छोटा सा टुकड़ा इमली डाल देंगे। इमली ज़्यादा नहीं डालने का, इतना ही बस। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा ये मसाला ग्राइंड करके लाएंगे। देखिए, मसाला थोड़ा ग्राइंड करके हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ ग्रेटेड कोकोनट डाल के इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये ग्राइंड करके हो गया। कुकर में मैंने 3 सीटी लगाया था, अब कुकर का सीटी निकल गया। कुकर ओपन करेंगे। देखिए, ड्राई ग्रीन पीस अच्छे से कुक हो गया। एक एक बार 2 सीटी में ही कुक हो जाता है। देखिए सीटी डालने का। तवा गर्म होने को रखा है, इसमें 1 स्पून तक कुकिंग ऑयल डाल के इस पनीर को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये ज़्यादा फ्राई नहीं करने का, थोड़ा लाइट ही फ्राई करने का। अब देखिए, फ्राई करके हो गया। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। कढ़ाई गर्म होने को रखा है, इसमें 2 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म होते ही इसमें 1/4 स्पून तक जीरा डालेंगे और 1 कट किया हुआ ऑनियन डाल के इसे अच्छे से रेड कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, ऑनियन अच्छे से रेड कलर आ गया। अब इसमें 1/4 स्पून से भी थोड़ा कम हिंग पाउडर डालेंगे। अब इसमें हमने जो कुक करके रखा हुआ ग्रीन पीस भी डाल देंगे और हमने जो ग्राइंड करके रखा हुआ मसाला भी ऐड करेंगे। मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल के वो पानी भी इसमें ऐड करेंगे। इस ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं बनाने का, थोड़ा गाढ़ा ही रखने का। अब इसमें हमने जो पनीर फ्राई करके रखा है वो पनीर भी इसमें ऐड करेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक्कन रख के
इसे एक बॉईल आने देंगे। अब ड्राई ग्रीन पीस और पनीर का ग्रेवी रेडी है। इसे मैंगलोर फंक्शन में ज़्यादा मिनी परोटा मिनी डोसा के साथ खाने के लिए बनाया जाता है। अब इसमें हरा धनिया कट करके डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने मसाला फ्राई करते हुए थोड़ा हरा धनिया डाला था। आज का रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।